देखिए फ्रेंड्स, हम दो रंग के धागे लेंगे और दोनों में ऐसे गांठ लगा लेंगे। अब इसको हम सिलाई के नीचे ऐसे लाएंगे और सेकेंडरी कलर वाला धागा दाहिने हाथ की तरफ और प्राइमरी कलर वाला बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। अब हम इसमें 35 फंदे, जैसे हम नॉर्मली डालते हैं वैसे ही 35 फंदे हम डाल लेंगे। हम सेकेंडरी कलर वाले धागे को ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे। अब हम इन्हें सीधा बुनेंगे। सीधा बुना, अब इसको, ये सेकेंडरी कलर वाला जो धागा है, इसे हम दूसरी तरफ कर देंगे और अब इसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 8 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 8 लाइन कंप्लीट हो गया है और इस दौरान हम कोई भी फंदा स्लिप नहीं करेंगे। नॉर्मली हम पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं तब बुनाई करते हैं, लेकिन नेफा बनाते समय हम कोई भी फंदा स्लिप नहीं करेंगे। और अब देखिए, ये हमारा जो सेकेंडरी कलर का धागा है उसमें ऐसे ये सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। देखिए, ये दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे डालेंगे सिलाई और इसको ऐसे खींच लेंगे। हमारे फंदे ये आराम से खुलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही करके सारे फंदे खोल लेंगे। और अब सभी फंदों को किसी पतले सिलाई से उठा लेंगे। तो मैंने गले वाले सिलाई पे सारे फंदे उठा लिए हैं। अब इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे, ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद पहले हम पीछे वाले फंदे से फंदा बनाएंगे। अब हमें सभी सभी फंदे सीधे ही बुनने हैं, तो पहले पीछे वाले सिलाई से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर आगे वाले सिलाई से एक सीधा फंदा। दोनों सिलाइयों से अल्टरनेट हम एक एक फंदा लेते जाएंगे और उन्हें सीधा बुनते जाएंगे। एक फंदा आगे वाले सिलाई से, एक फंदा पीछे वाले सिलाई से, एक फंदा आगे वाले सिलाई से और एक फंदा पीछे वाले सिलाई से। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे एक ही सिलाई पे हो गए हैं और अब हम इस सेकेंडरी कलर को खोल देंगे। हमने सिलाई में 35 फंदे डाले थे और अब इस समय सिलाई पे 70 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। और हम 8 लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और ये हमारा नेफा बन के तैयार है। अब इसमें हम चाहें डोरी डाल लें, चाहें इलास्टिक डालें, हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ये आराम से चला जाएगा। 8 लाइन कंप्लीट हो गया है और मैंने बीच में मार्कर लगा दिया है। अब 35 फंदे इस साइड में और 35 फंदे इस साइड में हैं, तो हम 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे और अब 10 फंदों को हम दो बार बुनेंगे, एक बार सामने से और एक बार बैक साइड से। तो हमने 10 से 20 फंदे बना लिए। 5 फंदा हमने सीधा बुना और अगले 10 फंदों में हमने 20 फंदे बना लिए। अब 10 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 5 फंदों में हम दो बार बनाएंगे, एक और पीछे से सीधा, तो एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, और फिर 5 फंदे इसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो इन 35 फंदों में हमने 10 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो ये हो गए 50 फंदे। और अब अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5 फंदे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे, दो, तीन, चार,
पांच, और पांच फंदों में हम 10 फंदे बनाएंगे। तो पांच फंदे में हमने 10 फंदे बना लिए और 10 फंदे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। और अगले 10 फंदों में हम 2 फंदे बनाएंगे, तो हमने 10 से 20 फंदे बना लिए। और लास्ट में यहाँ पे 5 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस लाइन में हमने 30 फंदे टोटल बनाए हैं। 5 का 10 किया है, फिर 10 का 20 किया है, फिर 5 का 10 और 10 का 20। तो इस तरह हमारे 30 फंदे बढ़ गए। 70 फंदे थे, 30 बढ़ने से अब हो गए 100 फंदे। और इसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने फंदे बढ़ाए, तो ये इसको अगर पहला लाइन माने तो हमारा ये 6 लाइन कंप्लीट हो गया है। लिफाफा बनाने के बाद 8 लाइन और ये 6 लाइन, यानी यहाँ से टोटल 14 लाइन कंप्लीट हो गया है लिफाफा को जोड़ने के बाद से। और अब हम 24 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 23 फंदे सीधे बनाए हैं। अब 24वां फंदा और 25वें फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर 26वें फंदे को और 27वें फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा लिए। फिर हम 23 फंदा बुनेंगे, तो हमने 23 फंदे बुन लिए, यानी ये टोटल 50 फंदे हुए जिसमें से 2 फंदे घट गए हैं और इस साइड में 50 फंदे बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना दूसरा धागा अटैच करेंगे और 23 फंदे सीधे बना लेंगे और इसको ऐसे लपेटते जाएंगे तो हमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा हमने घटा लिया। अब फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा इसमें और एक फंदा इसमें 2 फंदे घटा लिए। शेष फंदे हम सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पिछली लाइन में हमने 23 फंदे सीधे बुने थे, अब की हम 22 फंदे सीधे बुनेंगे। 22 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम 2 फंदों को लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, और 2 को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे और 2 को एक साथ बुनते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर शेष यहाँ पे अब दूसरी साइड भी 22 फंदे ही बचेंगे, तो उन्हें हम सीधा बना लेंगे। तो अब हमारा ये धोती 2 पार्ट में हो चुका है और ये दोनों पैर बनना शुरू हो चुका है। अब फिर हम दूसरे साइड भी 22 फंदे बुन लेंगे और 23वें और 24वें फंदे को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर लेंगे। फिर 25वें और 26वें फंदे को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर लेंगे, यानी इस लाइन में भी हमने दोनों पैर में 2-2 फंदे घटा लिए और उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हम तब तक करेंगे जब तक कि फंदे घट न जाए। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये एक पैर मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब ये दूसरा पैर है। तो इसमें अब इसमें 12 फंदे बचे हुए हैं। तो जैसा कि हम करते आए हैं वैसे 4 फंदे हमने सीधा बुन लिया। अब 2 फंदे को यहाँ पे देखिए, ये हम घटाते आए हैं, तो ये 2 फंदे को हम एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और शेष सभी फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हमारी सिलाई में सिर्फ 10 फंदे ही रह गए हैं, तो अब हम इसे एक साथ घटा लेंगे। 2 फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते चले जाएंगे। तो अब हम सारे फंदे
घटा लेंगे और इसमें से धागा ऐसे निकालेंगे और इसे कस लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई भी कर देंगे और यहाँ पे आप चाहिए तो डोरी डालिए या फिर इलास्टिक। अब हमें इसमें थोड़ा सा क्रोशिए का काम करना होगा। अब हम धोती का किनारी बनाएंगे, तो कहीं से भी हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसको दूसरी साइड में ऐसे कर देंगे जिससे ये खुलेगा नहीं। फिर एक चेन लेंगे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। फिर थोड़ी दूर से दो डबल क्रोशिया ऐसे निकालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम पूरे धोती में किनारी बना लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये किनारी कंप्लीट होने जा रही है और अब इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे और फिर दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लेंगे। अब हमें बस थोड़ा सा और काम करना है और धोती तैयार हो जाएगी। अब हमें यहाँ से 8 फंदे उठाने होंगे। तो हमने ये 8 फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे हम अपना सेकेंडरी कलर का धागा लगाएंगे और सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो इसको बीच बीच में ऐसे लपेटते हुए जाएंगे। तो हमने 8 फंदा उठा लिया है। अब इसे हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, रॉन्ग साइड से 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, और 2 फंदा सीधा। और फिर हम राइट साइड में हैं तो 2 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, और रॉन्ग साइड से 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। दूसरे कलर से 2 फंदा उल्टा और दूसरे और तीसरे फंदे में 4 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, फिर इसी जगह से एक लूप निकालेंगे, दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे और 2 फंदा उल्टा, रॉन्ग साइड से 2 फंदा सीधा। और अब ये लूप को और अगले फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, और अब ये लूप है और फंदा है, इसको ऐसे पलटेंगे, लूप आगे आ गया, अब दोनों को ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। फ्रंट साइड से 2 फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा,
फिर दो फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, और फिर पहले रंग के ऊन से दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, लूप को दाहिनी सिलाई में लेंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर इसी जगह से एक दूसरा लूप निकालेंगे और दाहिनी सिलाई में इसको भी चढ़ा देंगे, फिर दो फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से दो फंदा सीधा, अगले दो फंदे को यानी लूप को और अगले फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर ऐसे सिलाई डालेंगे, पहले लूप में फिर फंदे में, दोनों में एक साथ सिलाई डालें और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदा सीधा। इसी तरह एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाएंगे और ऐसे डिज़ाइन को बनाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। तो हमने साइड में दो दो फंदे रखे थे और बीच में चार फंदे रखे थे ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो चौथे पीले फूल में एक दो तीन, चौथे फूल में हमने चौथे फूल के तीसरे लाइन में हमने साइड में एक एक फंदे बढ़ा दिए और यहाँ पे तीन तीन फंदे हो गए। फिर छठे फूल में हमने फिर साइड में एक एक फंदे बढ़ा दिए, तो अब साइड में चार चार फंदे हो गए, यानी अब टोटल 12 फंदे हो गए हैं। तो ये हमारा, अब फिर हम चार फंदे उल्टा बनाएंगे और चार फंदा सीधा, फिर चार फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से चार फंदा सीधा बुनेंगे और इस लाइन में हम इसे उतार देंगे। तो सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे उतारते जाएंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे वाला फंदा आगे वाले पे ऐसे चढ़ाते चले जाएंगे। तो हम अब इसे क्लोज कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा क्रोशिए का काम करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ क्रोशिए से बॉर्डर बना देंगे। और जितने ये धागे निकले हुए हैं उसको दबाते जाएंगे। हम एक जगह पे तीन डबल क्रोशिया बनाएं, एक ही जगह पे तीन डबल क्रोशिया और उसे स्लिप स्टिच से ऐसे कर लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे और उसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हम चारों तरफ बाउंड्री बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धोती और कुर्ता तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।